बहुत कुछ है, बहुत लोग हमको बोला बहुत कुछ बोलने को, लेकिन हमारा काम नहीं है। हाँ, एक और बात सुनाई दिया हमको, लोग बोल रहे थे कि उसका पापा जी जो है नहीं गा पाएंगे जो हमारे पापा जी गा पाएंगे। अरे सोच लेते, मेरे बारे में जान लेते कि भले हर कलाकार हर गायकी नहीं कर सकता, ठीक है, मानती हूँ। लता मंगेशकर जी अलग थी, नेहा कक्कड़ जी अलग है, हमारे श्रद्धा सिन्हा जी, सबकी गायकी अलग होती है। और जहाँ तक रही सवाल पापा जी का, तो हमारे पापा जी जो तुम कर देंगे ना, वो तुम्हारे ग्रुप के जितने लड़के हैं ना हमारे, वो जो गा लेंगे वो तुम्हारे बस की बात नहीं होगी, इतना याद रखना। और जहाँ तक रही सवाल हमारे पापा की, तो पापा हमारे डीडी नेशनल और रेडियो रेडियो चैनल के कलाकार हैं। हमारे पिताजी थोड़े खड़े हो जाइएगा। जब जन्म ना भले तब से गावे, देख लीजिए। और हम उसमें की लड़की हैं जो अपने साथ में अपने भाई, अपने पापा, अपने बॉडीगार्ड और अपने चेला चपाटी को लेकर चलते हैं। अकेली औरत है, हम अकेली लड़की है जो अपने दम पर चलते हैं, है ना जी। ये है हमारे पिताजी। पिताजी हम चाहेंगे कि आप आ जाइए, आ जाइए, ये लोग आपको सम्मानित करेंगे। हमारे पापा जी जो गा देंगे, अभी हम अपने मेरे खून में कहावत है ना कि घर में किसी से लगाव होती है संगीत से, तभी कोई आगे बढ़ता है। हमारे पापा जी हैं जो संगीत के हमारे डीडी नेशनल और रेडियो चैनल के कलाकार हैं। अब नहीं गाते हैं क्योंकि मैं ही सोचती हूँ कि मैं गा रही हूँ तो पापा को अब क्या गवाऊं, लेकिन जो मेरे पापा गा देंगे ना वो तुम्हारे, इतना याद रख लेना। और औरत है लड़की है तो कभी लड़की को कमजोर मत समझिए, ये अकेले हमने अपना इतना प्यार पाया है। अच्छा, मुझे गाने नहीं आता तो गोलू राजा हमको सिखा देता क्या? हाँ, चाहे इस मंच पे ला देता क्या? नहीं ना, हम ही लाने वाले हैं। मंच पे भी जब पीरों में हुआ था कार्यक्रम तो हम ही उठाने वाले थे कि आइए हमारे साथ में गाइए। वो वीडियो आप लोग को हम करके कल फेसबुक पेज पर दिखा देंगे, लेकिन हमको बढ़ाने वाला कोई नहीं। ये बातें माइंड से निकाल देना चाहिए कि हम आगे बढ़ाए हैं, हमारी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मतलब पैदा करना होता है ना जी। तो हमारे माँ बाप हमको पैदा किए कि तुम्हारे माँ बाप हमको पैदा किए हैं हमारे ना जी। ये क्या बात है कि प्रोडक्ट है। इस चीजों को हमेशा याद रखिए कि लड़की है औरत है तो झुकाइए मत, हम झुकने वाले में से नहीं है, क्योंकि हर किसी की माँ बहन है, हर किसी की बेटियां है, वहाँ से भी सब लोग देख रहा है। इज्जत करिए, सम्मान करिए तो सम्मान पाइएगा, नहीं तो सबके पास सब कुछ भेजे हैं, भेजे हैं ना जी। ज्यादा यदि गंदगी नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैला, मंच पे आए हैं, किसी का इज्जत बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हैं। इतना अच्छा पैसा लगा करके यहाँ पे हमारे अनिल जी ने इतना अच्छा मंच सजाया है, इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाया, कहे के लिए इज्जत बनाने के लिए, ना कि बिगाड़ने के लिए, है ना जी। बताइए, दिमाग होना चाहिए भाई। आप पूर्वी गाली है, निर्गुण गाली है, मंच के दबंग स्टार है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। दबंग स्टार तो हमारे महेंद्र मिश्र जी, विष्णु ओझा जी, भिखारी ठाकुर जी, जिला से मैं आती हूँ, छपरा जिला, जहाँ का पूर्वी है, निर्गुण है, ठीक है भाई। हम नहीं गाते हैं आज के समय में। अच्छा, हम इस कार्यक्रम में आए हैं यहाँ पे सोहर का फरमाइश है, चाहे कोई चीज, यहाँ पर हम ये गाए कि भवा के तोहरा, अच्छा लगेगा नहीं ना? कहेंगे भाई जो बुलाए हैं कि अरे निशवा के बोलो नहीं, देखो नहीं तो भावरा लेके जाती है, कौन गायकी है बाबा। लेकिन यहाँ पे मंच पर है, सभी लोगों का बात सुनना है, सभी लोगों का ध्यान देना है कि किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से गाना है ना जी। हाँ चलिए, सॉरी चाहेंगे, गलत लगा हो तो हमको माफ कीजिएगा, सबका चरण स्पर्श किया, सॉरी कहेंगे इस चीजों के लिए, क्योंकि हम आजकल कभी बोलते नहीं है, कॉन्ट्रोवर्सी हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात सवाल हमारे माँ बाप पर आए ना, बर्दाश्त ना हो।